ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के साथ भक्त प्रसंग के बात में चल रहा था, उनके दक्षिणेश्वर में अपने भवन में। जबकि पंडित श्यामापद भट्टाचार्य ने जमलार्जुन का स्तब सुनकर श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होकर खड़े होकर उनके गोद में एवं वक्षस्थल में पैर स्थापन किया। अभी ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम है। कहा जाता है कि संतों का चरण से ही आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमारे परंपरा में चरण वंदना का महात्मा गीत हुआ है, जिसे कि भी दर्शन होता है चरण स्पर्श, जो कि दुनिया में और कहीं पर है नहीं। ये जो आध्यात्मिकता का रहस्य कौशल है और किसी को पता नहीं। नोवेयर इन द वर्ल्ड ये सिस्टम है कि टू टच द फीट ऑफ द एल्डर्स और सेंटली पर्संस टू रिसीव ब्लेसिंग्स, यहाँ पर ही एक परंपरा है। और हम देखते हैं कि ईश्वर के चरणों में, संतों के चरणों में उनके आशीर्वाद का स्रोत रहता है, इसलिए चरण स्पर्श करते हैं और हमारे हाथ से वो आशीर्वाद मिलता है। हैंड्स आर द रिसीविंग एंड एंड फीट आर द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। अभी श्री रामकृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं, एक दिन वो मास्टर मशाई के कह रहे हैं, हमारा पैर थोड़ा दुखता है तो हाथ फिरा दो। मास्टर मशाई उनको पद संभान कर रहे हैं, धीरे से हाथ फिरा रहे हैं। तब उन्होंने खुलासा बताया, तुम जानते हो मैं क्यों तुम्हें पादस्पर्श करने के लिए बोला है? मैं नहीं, पता नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म में अनेक सुकृति था, उस सुकृति की फल स्वरूप अभी तुम्हें हमारा चरण स्पर्श का अधिकार मिल रहा है, कारण चरण स्पर्श से ही तुम्हारा आध्यात्मिक ऊर्जा परिपूरित होगा। मास्टर मशाई को पता नहीं, इसलिए चरण वंदना, चरण स्पर्श करना इतना महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि स्वयं महालक्ष्मी जी सर्वदा कहाँ अधिष्ठान करते हैं? भगवान के चरण में पद सम्मान करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है लक्ष्मी बहुत चंचला है, कहीं एक जगह में टिकता नहीं, लेकिन भगवान के चरण छोड़ के जाते नहीं, ये हमें समझना चाहिए। जितने भी चंचला हो, ही ऑलवेज स्टिक्स टू द फीट ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड्स फीट इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। उनके चरण स्पर्श करने से ही
आशीर्वाद मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और हम देखते हैं हमारे एक परंपरा में जो जब भक्तगण संतों का प्रणाम करते हैं तो चरण स्पर्श करने से चरण के माध्यम से उनका ऊर्जा ट्रांसफर होता है। जैसे सीमा शारदरी श्री श्री रामकृष्ण एवं हमारे गुरुगण हम देखे हैं, शारदा देवी भक्त का प्रणाम हो रहा है और उन्होंने बारंबार इसे प्रणाम हो जा रहा है कि गंगा का पानी लेकर पैर धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो उनकी जो साथ सेविका थे गोलाप माँ कहते, माँ आप ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो सर्दी लग जाएगा, बारंबार इतना पैर धोना तो ठीक नहीं है। तो माँ कहते हैं देखिए क्या किया जाए, गोलाब एक एक भक्त आके प्रणाम कर रहे हैं और हमारा पैर में जलन पैदा हो जा रहा है, कोई कोई पैर में हाथ स्पर्श करके प्रणाम करने से शरीर स्वस्थ होता है पर अधिकांश पैर चरण में हाथ लगाने से इसे डंका लग जाता है, कोई दंशन करते हैं तो पैर धोना पड़ता है नहीं तो जलन बंद नहीं होता है। जलन क्यों, जो प्रणाम कर रहे हैं उनके पाप राशि लेके ब्लॉटिंग भगवान के चरण में वो चला जाता है और भगवान का चरण से उनके जो आशीर्वाद उनके हाथ में चले जाते हैं ट्रांसफर। व्हाट इज दी मीडियम, पैर। जैसे कहा जाता है कि जो गाय का दूध अगर लेना है तो उसको थन से ही मिलेगा, फ्रॉम द ऑर्डर, दूसरे जगह से वो दबाने से दूध नहीं मिलेगा। वैसे ही जो चरण है भगवान के चरण है वही हमें जो ऊर्जा आशीर्वाद एवं शक्ति का स्रोत है। इसीलिए कहा गया है पाद सेवनम, चरण का सेवा एक नवदा भक्ति का अंतर्गत है। ठाकुर भी उनके जीवन में हम देखते हैं कि जो उनको पाद स्पर्श करते हैं वो शुद्ध पवित्र हो जा रहा है और उसको ठाकुर कहते हैं उसके पाप राशि हमें ग्रहण करना पड़ता है। हम लोग भी देखे हैं कि जब हमारे प्रेसिडेंट महाराज गुरुजी की चरण स्पर्श करने से उनको अस्वस्थ हो जाते हैं, जब बीमारी हो जाती है तबीयत खराब होता है तो हम क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं, भक्तगण दूर से प्रणाम करते हैं, किसी को चरण स्पर्श करने का अनुमति नहीं दिया जाता है। ठाकुर के जीवन भी हम देखते हैं जब वो काशीपुर में थे तब उनका बहुत बीमारी बढ़ गया तो इन लोग नियम कर दिया नहीं वो चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं चलेगा, रोक दिया। इसीलिए जो चरण वंदना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा है। ठाकुर यहाँ पर स्वयं अपना चरण भक्तगण को प्रदान करते हुए उनके जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर रहे हैं, उनका कृपा है। जैसे मास्टर महाशय के बोला तुम्हारा सुकृति था इसलिए तुम्हें अवसर मिला। तो ये हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो नवदा भक्ति का बात उल्लेखित हुआ है इसका विस्तार भक्ति रत्नावली में श्री विष्णुपुरी जी ने व्याख्यान किया है कि ये चौथा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति में इज द फोर्थ रैंक। और उसका आगे और ये पांच क्या है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म विनोद निवेदनम, ये पांच और परवर्ती है।
तो ये जो पाद से मनम है, भगवान को पैर सम्मान करना, गुरुजन को पैर सम्मान करना, प्रणाम का माध्यम से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का परितृप्ति होता है, फल मिलता है। तो अभी जो पाद सेवन करने के पहले प्रस्तुति होना चाहिए, ऐसी पैर सेवा करने से नहीं। पहले क्या है, श्रवणम, पहले भगवान का नाम सुनना, भगवान को नाम से परिचिति होना, उनके लीला श्रवण करना। तो सुनने से पहले हमारा मन भगवत भाव में परिपूर्ण होता है। ठाकुर बोलते हैं पढ़ा अच्छे सुना भलो। तो पहले भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सुनने से मन भगवत भाव में परिपूर्ण हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। या सुनने के बाद क्या होता है, इच्छा कीर्तनम, भगवान का नाम बोलने की इच्छा होता है। भगवान का नाम बोलकर हम और भी पवित्र होते हैं। तो पवित्र करने के लिए पहले भगवान का नाम सुनना, भगवान के बारे में सुनना जानना, एवं भगवान के बारे में बोलना, कीर्तनम। जब सुना है भगवान के बारे में, भगवान के बारे में हम आवृत्ति कर रहे हैं, सुंदर सुंदर स्तव है, आवृत्ति करने से मन भी भक्तिभाव से परिपूर्ण होता है। तब क्या होता है, तृतीय स्मरणम, टू थिंक ऑफ गॉड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठाकुर कहते जो तुम कर रहे करो, लेकिन मन ही मन भगवान को स्मरण करो। लेट योर माइंड बी एंगेज इन द थॉट ऑफ गॉड, वट एवर यू मे डू, गो ऑन डूइंग इट, बट ए पोर्शन ऑफ योर माइंड शुड बी एंगेज इन द थॉट ऑफ गॉड, स्मरणम। वो तभी संभव होगा जब हम भगवान के बारे में भली भांति सुनेंगे एवं भगवान के बारे में भली भांति आप चर्चा करेंगे। मेक आवर लाइफ होलिस्टिक, गॉड ओरिएंटेड, इसका पहला चीज़ है श्रवण। श्रवण जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तब धीरे धीरे मन भगवत केंद्रित हो जाता है, एवं श्रवण के बाद हम भगवान को नाम बोलना चाहेंगे, आवृत्ति करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। श्री ठाकुर कहते हैं ईश्वर नाम गुणगान, तो हमारे जीवा पवित्र होते। बाबू राम मानस कहते हैं भगवान को स्तप करने से हमारा जीवा पवित्र होता है। भगवान के बारे में सुनना एवं भगवान को कीर्तन करना, वाणी एवं हमारे श्रवण इंद्रिया ईश्वर भाव से युक्त हो जाते हैं। जब ये युक्त हो गया, तब हमारा मन में भगवान का जो स्मरण आ जाने से भगवान का छवि दिखाई पड़ता है। जब भगवान का नाम स्मरण होता है, तब भगवान का नाम स्मरण होने से भगवान का रूप भी प्रतिभात होगा मन में, क्योंकि नाम और रूप तो अंगांगी युक्त है। जब भगवान के बारे में हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, भगवान के नाम रूप हम दोहराएंगे, वही है स्मरण भक्ति। ठाकुर कहते हैं जो कौन क्या कर रहे हैं वो गैर है, वो चर्चा का विषय नहीं है। अगर कोई भगवान को भक्ति करे, भगवत भक्ति, वो भगवान को स्मरण मनन से होता रहता है। तो भगवान का भक्ति ही हमें चाहिए, जो कि भगवान को स्मरण करने से। इसके बाद हम पाद सेवन का योग्यता अर्जन करते हैं, यही है बात। पाद सेवन का मतलब न केवल भगवान को पैर दबाना, भगवान के जो दिया हुआ मार्ग अनुसार जीवन अनुसरण करना भी पाद सेवन है। भगवान को जो वाणी है, जो निर्देश है, उसी अनुसार जीवन को गठन करना, उसके लिए जीवन को उत्सर्ग करना, वो भी पाद सेवन है। अब उसके लिए हमें प्रस्तुति चाहिए। ऐसे नहीं होगा, पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा,
उसके बाद भगवान का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा एवं भगवान को शरण मनन करना पड़ेगा। वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, पहले तो रूटीन करके करना पड़ता है, लेकिन आखिर में इट बिकम स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। भगवान का जो कर्म हम कर रहे हैं वो ठीक है, जब भगवान के लिए ही कर्म किया जाता है वो कर्म में अलग आनंद है। जैसे अपने लिए अगर कोई भोग बनाए, अपने खाना बनाए, वो एक किस्म का कार्यक्रम होगा। अगर भगवान के भोग के लिए हम कुछ वस्तु बनाए तो हमारे सारे शरीर मन अलर्ट रहता है, जी साधारण नहीं है, भगवान को सेवा में लगेगा। तो भगवान का भोग, भगवान का जो सेवा है, वो अगर हम जो पूरा मन लगा के करें भगवान की सेवा, तब वो पाद सेवन का ही अंग होगा। और जब पाद सेवन कर लिया तब मन और भी भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। भगवान के बारे में सुनना, उसके बारे में बोलना एवं उसको स्मरण मनन करने से हमें भगवान को पाद सेवन का योग्यता अर्जन करते हैं। वी बिकम एलिजिबल टू थिंक ऑफ गॉड्स फीट, क्योंकि भगवान के पैर के नीचे ही पूरा आध्यात्मिकता का जड़ निहित है, वो हमें आध्यात्मिक बना देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान स्वयं कृपा करके जिसको पैर संवाहन करने के लिए, जिसको पैर से आध्यात्मिकता का प्रकाश करने के लिए चुना है, वो भाग्यशील है। सबको तो सौभाग्य नहीं मिलता है। यहाँ पर देखते हैं पंडित को भगवान श्री रामकृष्ण पैर अपने समाधि अवस्था में पैर अर्पण किए एवं वो गदगद होके कहते गुरु चैतन्यम देही। उनका कुछ आध्यात्मिकता का परिवर्तन हुआ था तभी ने बताया। तो ये अद्भुत जो भगवान की कृपा का जो माध्यम है, आपने पैर से ही भगवान कृपा का माध्यम है, इसके बारे में और कुछ चर्चा होना वांछनीय है, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।